हे ऋषिराज, भगवान बच्चों की बोली में अनचितिया उचित न रहता है। वह तो है गंगा का भाव, जो भी कुछ आए बहता है। ब्राह्मण की भात आप आते तो सह लेता, यह लाते भी पीरों का भेष देखकर ही। इसने की इतनी बातें भी, जो दंड आप देना चाहे हे ऋषिराज, जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अरे अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अरे फिर वही रहा न जाता मन, अपराधी रघुनाथ है यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, जो सब बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था इसका उसने अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ जाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। अरे फिर वही बकवास, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। अरे जो के ऋण से उदरण हुआ वह माता का बल जाता है, गुर के कारण फिर वही हाथ एक बार खुजलाता है। अरे उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फरसे से तेरा। धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हुआ है भी। परसा दिखला कर बार बार, क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है, जो उसे साथ में लाए हो। मैं सूर नहीं कहलाते हैं, जो अपना आप बखान करें। वे काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों का भुगतान करें। पहलो हो तुमको ही सुबह, जिसने घर का लोहू चाटा। बलिहारी मैं उड़ातों की, जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा टीट खटा है, सोना चांद लोटे में भी से जो दूध मिलाकर घोटा है। अरे शंकर को कर का दंड खंड करता, घमंड अपने बल का रणवासों में खेला है। मुंह देखा नहीं रण स्थल का, क्यों है पश्चाताप। तोड़ दिया हमने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में बैगिन पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल पर हम, जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वे तो छोटे ही छोटे हैं। रणवासों के पाले वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। अरे बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा इस मौत के घाट। अरे धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो इसको नहीं प्रहार किया। व्यर्थ गुलाम मेरा, जो इसको नहीं संहार किया। अरे नहीं संभाल बाल बच का, जो खुद यह मरना चाहता है। कोई दोस्त मुझे जब फरसा इसे नात करो बालक पर छो, साधु दूध मुख करे न को। हे मुनिवर, ये बच्चा है और इसको क्षमा चाहिए, क्योंकि क्षमा बड़ों को चाहिए, छोटों को उत्पात। मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको वापस लेता हूँ। अरे देखो वह मुस्कुराहट करती पीती इच्छाती है, उसकी मुस्कुराहट मुझ पर बिजलियां गिराती है। अरे उसको भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्या समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो। हटे हम है यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती बिदीड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जाओ।
जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडाते हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, यदि छेड़छाड़ी बाती है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। हे मुन्नाथ क्षमा करें, मुन्नाथ अब कुठार की शरण में आया, अपने दासों का लहू पिए ताओ भला परसे की, प्रगुना गर्दन तो छाया में है यद परसे की, यदि से काट भी डालो तो के चिंता है, अनुरागी है जो चावल में हो तो शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी, हे स्वामी हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी, यह धर्म हमारा है, हम झुके आगे यह पहला कर्म हमारा है, यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है पर तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। अरे देखो शोर तनिक देखो, मैं अभी तो मुस्कराता है, इसका मुस्कराना रह रहकर मुझ पर बिजलियां गिराता है। अरे मैं पत्थर साहू खड़ा हुआ दुबदाम चित पड़ा है, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है, हैं ये क्या हुआ, अरे फरसा पहाड़ हो गया, उठाए सेन उठता है। देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिनाथ के अव बरसे हैं फूल, देखना सभन्ना इसी जगह मूरत होकर मत रह जाना, यह ना हो कि मंदिर ही हो हमें यहाँ आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। समझाऊं जरा तुम दावा की चाल, छोटा भाई बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी सेक रहा, यह गरम है नरम यह कुटिल नीत है दोनों की, हे विश्वामित्र तुम देख रहे चालाकी अपने चेलों की। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ, हे ऋषिराज ये दोनों बच्चे हैं और बच्चों को क्षमा चाहिए। अरे मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही ठाक जमाता है, दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। व्यर्थ झगड़ते ही आप राम नाम के साथ, प्रभुनाथ आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों पर है। हे ऋषिराज मैं राम कहता हूँ तो तुम भी परशुराम कहलाते हो, मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, मैं ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। व्यर्थ ब्रगुनाथ में अहम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं, हम जितने दौड़ते आते हैं प्रभु उतने ही चढ़ते जाते हैं, अरे बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो नाथ, सूर्य वंश में जन्म है मेरा, धनुष बाण है साथ, अभिमान प्रशंसा रोष नहीं तो अपना स्वभाव कहते हैं, अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते, रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी कुश्ती लड़ना पड़ता है।